सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरी नई रिएक्शन वीडियो के अंदर। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द साबरमती रिपोर्ट का ऑफिशियल टीजर आउट हुआ है, उसको कवर करेंगे। इसका जब ग्लिम्स टाइप कुछ आया था तब भी हमने इसको कवर करा था, जिसमें विक्रांत मैसे होने वाले हैं। सो फाइनली टीजर भी आ चुका है और देखेंगे टीजर को। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि टीजर्स और ट्रेलर से अपडेटेड रह पाए। बाकी देखते हैं द साबरमती रिपोर्ट का ऑफिशियल टीजर। यो लेट्स गो। Your Honor, we demand the strictest punishment applicable under the said sections. That includes public apology. Public apology manzoor hai. And a fine of 2 crore rupees. अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ये भी चलेगा। 2 crore 20 million को एक हफ्ते का समय काफी होगा। मैं जज साहब, ये सब मैं क्यों अरेंज करूंगा? ये सब तो ये करेंगे ना जो कसूरवार है। हर देश की सोच और राजनीतिक इतिहास में ऐसा वक्त आता है जो उसका इतिहास बदल देता है। अमेरिका के लिए वो 9/11 था और भारत के लिए वैसा ही एक वक्त दस्तक देने वाला था। Horrific news of a tragic incident is coming from Gujarat. Is this more important than 9/11? I'm afraid it might be. गोधरा का सच खा के बैठ गए, एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। सेंट्रल की ट्रेन उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, आने वाले वक्त में वो ट्रेन गुजरात होकर जाएगी। अब क्या करें? इस देश के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। एक चिंगारी लगेगी और लाखों घर जलेंगे। भीड़ आने के 2 बजे वो इंसिडेंट एक ही बार होता है, 2 बार हो तो वो कहानी है। साबरमती रिपोर्ट विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जज साहब। आज का हिंदुस्तान जवाब देना भी जानता है और सवाल पूछना भी जानता है। ओके भाई लोग, सो टीजर हमारा होता है कंप्लीट और द साबरमती रिपोर्ट जो कि डॉक्यूमेंट्री है, जो हादसा हुआ था ट्रेन एक्सीडेंट। सो या बाकी विक्रांत मैसे ने कम बैक कह रहा हूं, विक्रांत मैसे का एक और मतलब धमाका अभी सेक्टर 36 में दिया था। सो फाइनली इसके अंदर भी अब तबाही मचने वाली है। बाकी मजा आने वाला है भाई, डॉक्यूमेंट्री कुछ टाइप देखने को चीज मिलेगी। सो ऐसी चीज ही तो मजा देती है। बाकी ये लव स्टोरी वगैरह तो इसमें भाई इतना मजा नहीं आता मेरे को पर्सनली, डॉक्यूमेंट्री टाइप ही अच्छा लगता है मेरे को। सो आप लोग बताइए आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा और कितने लोग एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी मिलते हैं अपनी नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।